दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान अपनी आने वाली इस साल की तीसरी फिल्म यानी कि भैया डंकी को लेकर काफी चर्चाओं में है। भाई आप लोगों ने सही सुना ना, डंकी ना कि डंकी, क्योंकि भैया कुछ लोगों को मेरी आवाज ना डंकी की जगह डंकी सुनाई दे रही है। और भाई ये लोग कौन है? तो भैया ये लोग वही हैं जो कि भाई इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद से कबड्डी रोना शुरू कर चुके हैं। देखिए मेरा चैनल जो है वो एक पारिवारिक चैनल है, इसीलिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल अपने चैनल पर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं उस रोना को कबड्डी रोना आप लोग को बता रहा हूँ। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि भैया कबड्डी रोना कौन लोग कर रहे हैं, यानी कि भाई जब से डंकी का ये टीजर जब से हम लोगों के सामने आया है, इसको देखने के बाद कुछ लोग ये बात कहने लगे हैं कि भैया इसमें तो झलक हमें जीरो वाली नजर आ रही है, इसमें तो झलक हमें लाल सिंह चड्डी सॉरी चड्डा वाली आ रही है, यानी कि भैया कंपेयर करना शुरू कर दिया गया इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद। तो भैया यहाँ पर हम आप लोगों से यही बात कहना चाहेंगे कि भाई इस बार राजकुमार हिरानी ने कंट्रोवर्सी से अपने फिल्म के टीजर की शुरुआत नहीं की थी और ना ही भैया पोस्टर की शुरुआत की थी। आप लोगों को याद ही होगा कि भैया जब उस वक्त पीके का पोस्टर हम लोगों के सामने आया था तो भाई एक कंट्रोवर्शियल पोस्टर जारी किया गया था जनता के सामने, जिसमें एक टेप रिकॉर्डर लेकर भाई पूरी तरह से नंग धड़ंग खड़े थे आमिर खान रेलवे के ट्रैक पर। तो भाई उस पोस्टर को देखने के बाद ही लोगों के बीच में ये जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि भाई आखिर में क्यों आमिर खान ने पीके के लिए न्यूड पिक्चर खिंचवाया है। तो भाई इस बार वैसा कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं इस्तेमाल किया है राजकुमार हिरानी ने, तो भाई अब राजकुमार हिरानी को भी वैसे कोई कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया अब उनको किसी कहते हैं ना कि भैया सपोर्ट का कोई आवश्यकता नहीं, भैया उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया है कि वो फिल्में जब बनाते हैं तो वो अलग लेवल की ही फिल्में होती हैं। इससे पहले जब संजू भी आया था तो भैया उसको देखकर कुछ लोग यही बात कह रहे थे कि भैया ये फिल्म एक एवरेज मूवी होगी, क्योंकि भैया ये फिल्म संजय दत्त की बायोपिक है। लेकिन वो फिल्म जब सिनेमा घरों में आई थी और उस फिल्म ने धीरे धीरे जिस तरह से अपनी पकड़ मजबूत की थी बॉक्स ऑफिस पर, वो तो सबको ही याद होगा। तो भैया कई सारी बातें कही जा रही हैं डंकी को लेकर, डंकी नहीं बोल रहा हूँ। तो भाई अब ये बात तो आप लोग जानती हो कि डंकी का सीधा सीधी मुकाबला होने वाला है भाई प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म सलार के साथ, जिसमें भैया हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो बाहुबली हैं यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास इस बार बाहुबली के अवतार में नहीं बल्कि डायनासोर के अवतार में नजर आएंगे। और भाई जब से इन दोनों फिल्मों के बीच में होने वाले इस मुकाबले की घोषणा की गई है तभी से भाई दर्शकों की निगाहें टिकी हुई है इन दोनों फिल्मों के ऊपर कि भाई कौन सी फिल्म सिनेमाघरों में आने से पहले हाइप क्रिएट करने में कामयाब रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात तो बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि भैया हाइप के मामले में अभी तक डार्लिंग प्रभास की आने वाली फिल्म सलार जो है वो बाजी मारती नजर आ रही है। यानी कि भैया जब सलार के टीजर को लॉन्च किया गया था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर तो भैया उस टीजर को महज 24 घंटों में ही यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर 83 मिलियन व्यूज मिल गए थे और 1.67 मिलियन भाई लाइक्स मिल गए थे। यानी कि भैया 24 घंटों में ही इस फिल्म के टीजर ने भैया प्रभास के आदि पुरुष के रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखा दिया था मेरे भाई। यानी कि भैया सलार का टीजर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो एकमात्र टीजर है जिसको इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों वाकई में सलार को तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला था, लेकिन भाई आज जब डंकी का टीजर हम लोगों के सामने आया है तो भाई इस बात पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि भाई इस टीजर को पब्लिक का किस तरह का सपोर्ट मिलता है। तो भाई अभी तक डंकी के टीजर को जो व्यूज मिला है भैया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, जो मैंने आंकड़े आप लोगों को बताने के लिए लिखे हैं, वो आंकड़ा है 5.2 मिलियन का।
यानी कि भैया 52,59,524 लोगों ने तब तक इस फिल्म के टीजर को देख लिया था जब तक ये आंकड़े मैं आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा था। और वहीं पे अगर उन्होंने बात करी भैया लाइक वाले सेक्शन की तो भैया 5,01,000 लोगों ने अपने लाइक के माध्यम से इस टीजर की सराहना की है और 26,863 लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से इस टीजर को लेकर अच्छा अच्छा कहा है। तो भाई इतना सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है डुंकी के साथ, लेकिन भाई ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है और वो इस फिल्म के टीजर को भैया कंपेयर कर रहे हैं जानबूझकर जीरो के साथ। और खास तौर पर एक फोटो मैंने देखा भैया कि कई लोगों के थंबनेल में हमें देखने को मिल रहा है जो कि भैया थोड़ा सा सिमिलर सा है जीरो की तरह। और भाई उसी पिक्चर को दिखा कर लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया ये तो जीरो 2.0 है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया क्या आप भी राजकुमार हिरानी को इतना हल्के में लेते हैं? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई इस बार राजकुमार हिरानी का जादू नहीं चल पाएगा सिनेमा घरों में? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई इस बार राजकुमार हिरानी एक बेहतरीन फिल्म सिनेमा घरों में देने में नाकामयाब रहे हैं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।